हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और मैं अन अकेडमी एटम्स पे जेई के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, फिजिक्स में अभी अपना टॉपिक चल रहा है, जो 6 बजे की लाइव क्लास होती है हर शाम को, अपना टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है चार्ज। अपन ने चार्ज बहुत बार महसूस किया है। सर्दियों के दिनों में जब अपन जाके मेटल की टैप को टच करते हैं तो एक झटका लगता है, वो स्टैटिक चार्ज है। अपन प्लास्टिक की चेयर पे बैठे होते हैं और उस चेयर पे थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं और फिर उठ के जाते हैं तो अपन देखते हैं कि चार्ज हाथ में आ गया और किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, हैंडल को टच कर रहे हैं तो एक स्पार्क निकलता है, अपने को एक थोड़ा सा स्नैप फील होता है, वो भी चार्ज है। सो दोस्तों, पुराने जमाने की बात जब करें तो वहाँ पे चार्जेस को ऐसे देखा जाता था कि भाई एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप ए, फ्लूइड टाइप बी। अगर टाइप ए फ्लूइड है, मैं उसको पॉजिटिव बोलूँ, तो टाइप बी का जो फ्लूइड है वो नेगेटिव होगा। लेकिन तब तब भी दोस्तों, बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सेग्रीगेशन और क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। ये जो सारी पिक्चर थी, ये चेंज हुई 1700 की शताब्दी में। 1700 की शताब्दी में एक ऐसा इंसान था जिसने एक प्रपोजल डाला, जो चार्ज है वो दो अलग अलग फ्लूइड नहीं है बल्कि एक ही इलेक्ट्रिक फ्लूइड है। बिल्कुल दोस्तों, फ्लूइड ही वर्ड यूज होता था उस वक्त, क्योंकि ये मानना था जनमानस का। बिकॉज दैट टाइम इट वॉज नॉट नोन कि एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं पता था। तो ये एक इमेजिनेशन पे काम करती थी सारी चीजें, एक बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग और जो उसके ऊपर काउंटर इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लॉजिक्स होते थे, उस पर काम करती थी। तो उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनने बोला भी जो चार्ज है उसका फिनोमेना इसलिए है कि एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बहुत कम हो जाता है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो पहले इंसान थे दोस्तों जिनको ये कहा जा सका, जिनने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग करा, और यही पहले इंसान थे जिनने बताया कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। यानी अगर मैं किसी एक चीज से चार्ज उठा के दूसरे को दूंगा तो पहले पे कमी हो जाएगी और दूसरे पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनने इसको रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिकल फ्लूइड के फंडे से। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन की और भी बात करें तो उनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो अपन सबने सुना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे दोस्तों काफी मिथ्स जुड़े हुए हैं, काफी उसके पीछे कुछ ऐसी बातें जो कि प्रूवन नहीं है, लेकिन काफी जनमानस में और आम बच्चों को ऐसे बताया जाता है। जैसे कि ये कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग उड़ा रहे थे तो बिजली गिर गई थी। नहीं दोस्तों, अगर बिजली गिर गई होती ना पतंग के ऊपर तो बेंजामिन फ्रैंकलिन मर चुके होते। क्यों? क्योंकि वैसा ही एक्सपेरिमेंट कुछ सालों बाद जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, उसके कुछ सालों बाद रशिया के भी एक रिसर्चर ने किया था और सही में उन पर बिजली गिर गई थी, वो मर गए थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में बिजली नहीं गिरी थी, पहला चीज। दूसरा, लोगों का मानना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी। नहीं दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करना चाह रहा था कि मैं जो बरसाती बादल हैं वहां से चार्ज इकट्ठा कर सकता हूं। उनने क्या किया दोस्तों, एक पतंग बनाई, उस पतंग के ऊपर उनने एक मेटल का वायर लगा दिया। पतंग के ऊपर मेटल का वायर लगा दिया, और पतंग को जब उड़ाया उसके लिए एक रस्सी को यूज किया, जो अपन रस्सी यूज करते हैं ना घरों में, वो वाली रस्सी को यूज किया, और उस रस्सी के दूसरे एंड पे एक चाबी बांध दी, मेटल की जो चाबी होती है, और वहां से एक सिल्क का धागा बांध के खुद ने पकड़ लिया। पतंग उड़ा दी, पतंग को अच्छी खासी ढील दी, पतंग ऊपर आसमान में चली गई, रस्सी खत्म हुई, जहां पे रस्सी खत्म हुई वहां पे चाबी बांधी, उसके पीछे एक सिल्क का धागा बांध दिया, और खुद बरसात में नहीं खड़े रहे थे, रादर खुद एक ओट में खड़े थे, एक शेड के नीचे खड़े थे। पैरों के नीचे भी उनने एक इंसुलेटर लगा रखा था जिससे कि अगर बाय चांस कोई चार्ज आ भी जाए तो उनकी बॉडी से पास ना हो। अब जब उनने उस पतंग को उड़ाया तो उस पतंग पे बिजली गिरी? नहीं गिरी। हुआ क्या, बरसाती बादल थे, चार्ज हवाओं में था, बिकॉज ऑफ दैट एयर ड्रैग एंड फ्रिक्शन, उस मेटल के वायर ने जो उस पतंग से निकला हुआ था उसने उस चार्ज को इकट्ठा किया। क्योंकि रस्सी गीली हो चुकी थी बारिश में, तो वो जो चार्ज है वो रस्सी के रास्ते नीचे नीचे आया, नीचे पहुंचा तो जो चाबी लटकी हुई थी उस चाबी के ऊपर वो चार्ज आ गया, क्योंकि चाबी मेटल की है तो चार्ज उस पर आ गया। मेटल पे जो चार्ज आया, उस चार्ज को जब चेक किया गया, कैसे चेक किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी उंगली उसके पास में लेके गए तो चक की आवाज आई, तो उनको समझ में आ गया, हाँ भाई यहां पे तो कुछ चार्ज इकट्ठा हो रहा है। लेकिन उसके आगे चार्ज उनकी बॉडी के थ्रू पास नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पे उस चाबी के बाद में सिल्क का धागा था और बेंजामिन फ्रैंकलिन आराम से उसको पकड़ के खड़े थे। अब करा क्या जाए इस चार्ज का, तो वहां पे जिसको अपन आजकल कैपेसिटर कहते हैं, पुराने जमाने में कंडेंसर के जैसे, जार के जैसे एक सेटअप होता था, उसके अंदर उस चार्ज को चाबी से ट्रांसफर कर लिया गया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपने आगे के एक्सपेरिमेंट करे तो उनने ये पाया कि जो चार्ज उनने बरसाती बादलों में चार्ज्ड हवाओं के थ्रू जो चार्ज इकट्ठा करा है और जो उस जार के ऊपर उनने कंडेंसर की फॉर्म में रखा है, उसको यूज करके अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं या फिर मैं सिल्क क्लोथ को ग्लास रोड पे रब करके जब एक्सपेरिमेंट करता हूं तो दोनों का नेचर सेम है,
एंड ही जस्ट प्रूव्ड कि जो लाइटनिंग प्रोसेस है, जो बिजली का कड़कना है, वो भी चार्जेस से रिलेटेड है। क्यों दोस्तों? इसलिए जरूरी था क्योंकि उस वक्त ये मानना था कि जो बिजलियां कड़कती और बिजलियां गिरती हैं वो भगवान का गुस्सा, इट्स दी गॉड्स रेज, वो एक हेवनली इंटरवेंशन है कि अगर आपने बहुत बदमाशियां करी हुई हैं, आप खराब इंसान हैं, तो भगवान गुस्सा है आपसे, इसलिए वो आप पे बिजलियां कड़कड़ा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साइंस ने ये बताया कि जो बिजलियों का कड़कना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया जो बिजलियों का कड़कना है वो एक चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसको काफ़ी फैलाओ। ठीक है, फिर से बता दूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं शाम को 6 बजे यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।